स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर नंबर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है सोक्रेटिस, और हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 4 की। स्टूडेंट्स, पिछले पैराग्राफ्स में हमने जाना कि सोक्रेटिस की लाइफ किस तरह की थी, बचपन उनका किस तरह का था, और उनकी क्या शिक्षाएँ थीं, और कई लोग जो उन्हें अप्रूव नहीं करते थे, कई लोग जो उन्हें नहीं पसंद करते थे, उन्होंने सोक्रेटिस को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा और सोक्रेटिस पे एक मुकदमा जारी कर दिया गया। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 4 में कि सोक्रेटिस के साथ कोर्ट में क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का, इस लेक्चर का नाम हमने दिया है कोर्ट रूम। आइए शुरू करते हैं। द जजेज लिसन टू हिम, जजेज ने सोक्रेट को सुना, क्वेश्चन हिम, उससे सवाल जवाब किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, कंडेम्ड मीन्स पनिश्ड, और उसको मृत्यु दंड दे दिया। द ओल्ड मैन हैड नो कंप्लेंट, बूढ़े ने कोई भी शिकायत नहीं की, ही लीन्ड, वे झुके रहे, ऑन हिज स्टिक, अपनी स्टिक पर, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, वह भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम में उन्होंने चारों तरफ देखा, प्लेटो एंड हिज प्यूपिल्स वर देयर, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य उस कोर्ट रूम में वहाँ ऑल द टाइम, पूरा समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा, नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, कोई भी बुराई नहीं हो सकती उस व्यक्ति के साथ जो कि एक अच्छा इंसान है। ही टोल्ड देम, ही मीन्स सोक्रेटिस, देम मीन्स हिज प्यूपिल्स, सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से कहा, आइदर इन लाइफ, चाहे जीवन में, और आफ्टर डेथ, चाहे मृत्यु के बाद। अर्थात सोक्रेटिस ने एक छोटी सी स्पीच दी कोर्ट रूम में सज़ा सुनने के बाद कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, चाहे इस संसार में, चाहे परलोक में। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए आप सब लोग खुश रहो, सोक्रेटिस ने कहा, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, द आर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है, डिपार्चर मीन्स प्रस्थान का, एंड वी गो आर वेज, और हम सबको आर वेज, अपने अपने रास्तों पर जाना है, आई टू डाई एंड यू टू लिव, मेरे को मृत्यु प्राप्त करनी है और आप लोगों को अभी जीना है। तो सोक्रेट ने लोगों से क्या कहा सज़ा सुनने के बाद कि कभी किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, चाहे वह यह संसार हो, चाहे परलोक हो, इसलिए हमेशा खुश रहो, हर व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना है, अब इस समय मुझे मरना है और आप लोगों को जीना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन, तब सोल्जर्स, सिपाही आए और सोक्रेटिस को प्रिजन मीन्स जेल ले गए, हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 children, उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ उनके साथ थी, मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स हुआ ऑल्सो विद हिम, और बहुत सारे उनके प्रिय शिष्य उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, दे टॉक्ड टू देम एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, बहुत लंबे समय तक उन लोगों ने सोक्रेटिस से बातें की, सोक्रेटिस, ही मीन सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, यहाँ लेसन्स का मतलब शिक्षाओं से है, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसको उन्होंने ट्रेजर्ड मीन्स खजाने की तरह संचित कर लिया, सेव कर लिया, सुरक्षित कर लिया अपने हृदयों में। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन पूरे समय सोक्रेटिस के दोस्त, उनके चाहने वाले, ये अच्छे से जानते थे कि सोक्रेटिस जल्दी ही अब इस संसार से रवाना हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए देवर सैड, वह बहुत दुखी थे। फॉर जैसा कि एज प्लेटो रोड, प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, वे एक पिता के समान थे, ऑफ होम, जिन्होंने, जिनको वी वर बीइंग बिरीव्ड, जिनके लिए अब हम विलाप के साथ जीवन गुजारने वाले थे, बिरीव्ड मीन्स सैडनेस, विलाप, एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आर लाइव्स, आर मीन्स द लाइफ ऑफ हिज पीपल्स एंड फॉलोअर्स एज ऑर्फन्स, और अब हमारा बचा हुआ जीवन अनाथों की तरह से गुजरने वाला था। स्टूडेंट्स, वी विल कम टू नो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन आर लेक्चर 5। स्टूडेंट्स, टू गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद लिटरेचर एंड ग्रामर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक आर वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स।